रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज और बोर्ड आपको ठीक ठाक दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है? बताइए भाई, आपको हमारी आवाज और आपको हमारा बोर्ड ठीक ठाक दिखाई दे रहा है? तो हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे विधेयक, यानी कि बिल्स के बारे में मुझे आपको बताना था। बिल्स के विधेयक कितने तरह के होते हैं? तो विधेयक चार तरह के होते हैं। कौन कौन से, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला होता है साधारण विधेयक, ठीक, साधारण विधेयक। उसके बाद आता है वित्तीय विधेयक, वित्तीय विधेयक। तीसरा आता है धन विधेयक, और चौथा आता है संशोधन विधेयक। कौन सा? संशोधन विधेयक। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी, फाइनेंशियल, मनी बिल और अमेंडमेंट बिल। तो मुझे कोई बताए, संशोधन जो हम अपने संविधान में करते हैं वो हमने किस देश से लिया है? संशोधन जो हम लिया है वो हमने किस देश से लिया है? बिल्कुल, हमने लिया है वो साउथ अफ्रीका से। तब तो हम लोग इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, चारों विधेयक के बारे में कि इनमें क्या क्या खास बात होती है। सबसे पहले हम अगर हम बात करें साधारण विधेयक की, जिसे आप कहते हैं ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल। साधारण बिल होता क्या है? ये आता है आर्टिकल 107 में। साधारण विधेयक आता है 107 में, और साधारण विधेयक को दोनों सभा, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सभा में पेश करना जरूरी है। और इसके पेश करने के बाद इस पर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होने क्या है? अनिवार्य है। नहीं बेटा, पहले लोकसभा में होगा, उसके बाद राज्यसभा में होगा, ठीक है? पहले लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा साइन के लिए, साइन के लिए, ठीक है? और साधारण विधेयक में ही ये चांसेस होते हैं किसके? संयुक्त अधिवेशन के, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है? अब मुझे ये बता दीजिए कि संयुक्त अधिवेशन कौन से आर्टिकल में होता है? संयुक्त अधिवेशन कौन से आर्टिकल में होता है? तो आंसर होगा 108 आर्टिकल में। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? बिल्कुल, शाबाश। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है? इस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होता है? याद रखना, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। शाबाश, गुड, ठीक। और अभी तक हमारे देश में कितने बार संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया है? 3 बार। अभी तक हमारे देश में संयुक्त अधिवेशन को 3 बार बुलाया गया है। पहला 1961 में, किसके लिए? दहेज से संबंधित था। दूसरा 1978, बैंक से संबंधित था, बैंक से। और तीसरा था 2002 में, ये आतंकवाद से संबंधित था, आतंकवाद से संबंधित था। तो 3 बार अभी तक ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है, ठीक। क्लियर है? समझ में आया आपको? इसके बाद आता है आपका दूसरा, जिसे आप कहते हैं धन विधेयक। धन विधेयक ये आता है आर्टिकल 110 में, ये आता है आर्टिकल 10 में। धन विधेयक केवल लोकसभा में पास होता है,
धन विधेयक केवल लोकसभा में पास होता, इस पे राज्यसभा में और राष्ट्रपति में जाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यानी कि अगर इस कानून को पास करना है, धन विधेयक को, तो ये लोकसभा में पेश होगा। ठीक है, और इस लोकसभा में धन विधेयक को पास करने के लिए जो वोटिंग होनी चाहिए या बहुमत, तो 2/3 का, यानी कि 2/3 का होना चाहिए, 2/3 का होना चाहिए। ठीक है, पास लोकसभा में होता है, लेकिन ध्यान रखना, बहस के लिए इसे कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में। अगर राज्यसभा इसे नकार देती है, अगर राज्यसभा इसे नकार देती है, तो फिर दोबारा ये राज्यसभा के पास नहीं जाएगा, ये सीधा जाएगा राष्ट्रपति के पास। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर लोकसभा पास कर देती है और राज्यसभा रोक देती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 14 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति के पास चला जाता है, और राष्ट्रपति क्या कर देता है, इस पे साइन कर देता है, यानी कि हस्ताक्षर कर देता है। और सबसे अहम बात, धन विधेयक पर प्रेसिडेंट के साइन का होना अनिवार्य है, साइन का होना अनिवार्य है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, तीसरा, वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक, इसे आप कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये आर्टिकल किस में आता है? 112 में आता है, ये आता है 112 में, वित्तीय 112 में। इसमें क्या होता है? इसमें बजट पेश किया जाता है वार्षिक, इसमें वार्षिक बजट पेश किया जाता है। अब बताइए, बजट का जो सत्र होता है, उसे कौन बुलाता है? बजट का जो सत्र होता है, उसे कौन बुलाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्रेसिडेंट बुलाता है। सत्र जितने भी बुलाएगा, वो राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाएगा। और ये जो वित्तीय बिल है, ये भी कहाँ पेश होता है? सिर्फ लोकसभा में। आपको पता है ना, जो बजट होता है वो लोकसभा में पेश होता है, और इस बजट को पेश करने के लिए 3 कमेटी होती हैं, या 3 निधि होती हैं, और ये तीनों निधि इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिख लीजिएगा। कौन कौन सी है? तो पहला लिख लीजिएगा, संचित निधि, संचित निधि। दूसरा लिख लीजिएगा, अकस्मिक निधि, अकस्मिक निधि। और तीसरा है लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि। ये 3 है जो बजट में या इस बिल में काम करती है। ठीक है ना, ये तीनों जो हैं वो बहुत अहम है। समझ में आया यहां तक आप लोगों को? यहां तक बताइए, कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो है वो याद रखनी है। और बचा चौथा, संशोधन वाला, उसमें यही है कि किसी कानून में अगर किसी को संशोधन करना है, तो हम उसके तहत जो है वो संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, आर्टिकल भी है, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने, बस आप इनको याद रख लें। ठीक है ना, अगर आप लिखना चाहें तो संशोधन कर लिख सकते हैं, संशोधन विधेयक 368, 368 का, बिल्कुल 368 का क्या है? संशोधन विधेयक है। शाबाश, गुड।
ठीक है, यह हुई सारी हमारी कार्य प्रणाली संसद की। इसके बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। किसकी? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल किस में आता है? 124 में आता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में आता है। और भारत का जो पहला सुप्रीम कोर्ट है वो मैंने आपको बताया था पहले कलकत्ता में खुला था। कब? 1774 में। और एक्ट कौन सा था? 1773 एक्ट था। ठीक है। और उसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? लॉर्ड एलिजा इम्पे। लॉर्ड एलिजा इम्पे वो कौन थे? उसके चीफ जस्टिस थे, यानी कि सीजीआई। सीजीआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब बताइए वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? अभी वर्तमान में भारत के सीजीआई कौन है? ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा। अभी जो वर्तमान में है वो है DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़। और ये 50वें नंबर के क्या है? चीफ जस्टिस है। और इनको कब शपथ दिलाई गई थी? 9 नवंबर 2022 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट की जज की, वो होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। नहीं बेटा, उसकी नहीं पूछते हैं, प्रेसिडेंट की, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। और इसकी सलाह पर, किसकी सलाह पर? सीजीआई की सलाह पर बाकी जो जज होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन सलाह किसकी? सीजीआई की। सेम वही क्राइटेरिया है जो आपको मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर कैबिनेट का होता है। ठीक उसी तरह से सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और उसकी सलाह पर जज की नियुक्ति करता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या क्या क्या योग्यताएं होती हैं वो आप लिख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का। सबसे पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि वो भारतीय होना चाहिए। इसके अलावा वो 65 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, कभी भी याद रखना सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कार्यकाल नहीं होता, बस उसकी एक उम्र निर्धारित है, 65 वर्ष। इसके अलावा वो न्यूनतम 5 वर्ष जज रहा हो किसी हाई कोर्ट में। 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट में क्या रहा हो? जज रहा हो। या उसने 10 साल किसी हाई कोर्ट में वकालत की हो। हाई कोर्ट में, ध्यान रखना, हाई कोर्ट में। और ये हुई इनकी सारी चीजों के बारे में, इनकी योग्यता के बारे में। अब इनके कुछ अहम बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई होता है उसे शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मान के चलिए सीजीआई अवेलेबल नहीं है, तब उसकी जगह पर कौन काम करेगा? जो उसकी टीम के मेंबर हैं, ठीक है ना,
उसमें जो सबसे सीनियर होगा वो उसका क्या करेगा, कार्यभार संभाल लेगा, यानी कि उसकी जगह पे बाकी मेंबर्स में जो सीनियर होगा उसके साथ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर ये इस्तीफा देना चाहें तो इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। इस्तीफा देना चाहें तो किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक, और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात कर लेके लिख लेना, जब ये सेनावृत्ति हो जाते हैं यानी कि जब ये रिटायर हो जाते हैं तो ये किसी भी पद पर काम नहीं कर सकते, किसी भी पद पर काम नहीं कर सकते और ना ही ये वकालत कर सकते। सलाह तो दे सकते हैं लेकिन किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकते, न्यायाधीश के तौर पे। ऐसे नहीं कि भाई सुप्रीम कोर्ट से जज हो गए, 50 साल में रिटायर हो गए, इसके बाद बने नहीं, तो अब ये दोबारा से हाई कोर्ट में नहीं जा सकते रिटायर होने के बाद। अगर अपनी मर्जी से छोड़ा तो अलग बात है। और इनके जो भत्ते हैं या इनकी जो तनख्वाह है वो आर्टिकल 125 के अंदर आती है, आर्टिकल 125 के अंदर आती है। ठीक है भाई, यहां तक तो बताइए, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? और जो सुप्रीम कोर्ट हो उसे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का क्या कहा जाता है, सिक्योरिटी गार्ड या संरक्षण कहा जाता है, सिक्योरिटी गार्ड या संरक्षण कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है आर्टिकल 137 के तहत कि उसने कोई निर्णय दे दिया लेकिन वो चाहता है कि उस पर दोबारे से सुनवाई हो, तो आर्टिकल 137 के अंतर्गत वो अपने निर्णय पे दोबारे से क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। ठीक है ना, और आर्टिकल 137 कहता है कि राष्ट्रपति, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखना, स्टाफ बना के काफी बार पूछा गया कि राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकता है, तो राष्ट्रपति सिर्फ एक से सलाह ले सकता है और वो होता है सीजीआई। अब वो उस सलाह को माने या ना माने वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है, ध्यान रखना, ये काफी अहम पॉइंट है, इसलिए मैंने जो है वो आपको लिखवाया है। ठीक है ना, इसके बाद हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के बाद फिर आपका जो है वो स्टेट आ जाते हैं, उसमें काफी सारे राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, राज्य का विधान परिषद होती है, ये सारी चीजें जो है वो उसमें क्या होती है, इंक्लूड होती हैं। ठीक, तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे राज्य की, राज्य की। ठीक, राज्य से मतलब ये नहीं है कि एक राज्य की बात करेंगे, ठीक है ना, हम बात करेंगे पूरे राज्य की कार्य प्रणाली की, कि वो क्या होती है, उसमें क्या बात होती है, या वो कौन से आर्टिकल होते हैं, या उसमें किन चीजों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि बाज मरतबा इनसे भी जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो राज्य लिख लिए। तो आप बताइए, राज्य का जो प्रधान होगा या राज्य का जो पहला व्यक्ति होगा कौन होगा, राज्य का जो पहला व्यक्ति होगा वो कौन होगा, बिल्कुल जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे कौन होगा, राज्यपाल होगा। ठीक है, अब राज्यपाल होगा तो जाहिर सी बात है अपनी स्टेट की भी क्या होगी, विधान परिषद होगी, या कह सकते हैं विधायिका होगी, राज्य की विधायिका। अब राज्य की विधायिका कितनी होती है, कोई बता सकता है, राज्य की विधायिका कितनी होती है?
ये पूरे स्टेट की बात हो रही है, यहाँ एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो महाराष्ट्र पढ़ा रहा हूं, बताइए। मैं तो यहाँ पे आपको कह सकते हैं गुजरात पढ़ा रहा हूं, मैं तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। जो राज्य की विधायिका होती है, या कह सकते हैं एक तरीके से विधानमंडल होता है, वो तीन लोगों से मिलके बनता है। कौन? पहला आता है गवर्नर, दूसरे पर आता है विधानसभा, विधानसभा, और फिर आता है विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है, हाँ, जैसे संसद होती है वैसे ही स्टेट में क्या होता है, विधानमंडल होता है, जो तीन लोगों से बनके मिलके बनता है, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक, इसमें भी उच्च सदन होता है, निम्न सदन होता है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी आपको बात याद रखने वाली है। जैसे आपको पता होगा हमारे देश में कितने राज्य हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं? अट्ठाईस राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? बताइए भाई, केंद्र शासित कितने हैं? सात। बेटा कौन सी दुनिया में जी रहे हो? नौ। बेटा एक बताओ ना, नौ बताओ या सात बताओ। चलो स्टेट तो तुम्हारे ठीक है, आठ हैं बाकी। बिल्कुल, यूनियन टेरिटरी जो है वो अभी आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में और लेह लद्दाख में क्या किया गया है, तब्दीली कर दी गई है, यानी कि उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब बताइए, जो परिवर्तन किया गया है वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है? अरे अभी तो बताया आपको, संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन किया गया है ना 370 हटा के। हाँ, तो बेटा 377 जो गई है वो संविधान संशोधन करके तो हटाया गया है। क्यों, या भूल गए? ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। चले खैर, कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती हो जाती है, इससे घबराने वाली बात नहीं है। सारी चीजें एकदम से याद नहीं भी होती, क्योंकि आप लोग जो है काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम 28 राज्य में क्या है, विधान सभा है, लेकिन दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें क्या है, विधानसभा है, विधानसभा है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती, वहां पर कौन काम करता है, राष्ट्रपति शासन काम करता है, यानी कि वहां पर कौन काम करता है, उपराज्यपाल काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिएगा नई दिल्ली, क्योंकि आप जानते हैं नई दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहां पर क्या है, सीएम है,
जाहिर सी बात है, विधानसभा से तो सीएम बनता है ना, जैसे लोकसभा से कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। नहीं बेटा, कश्मीर में नहीं है, कश्मीर में नहीं है, पहले एक बात देख लें तब उसके बाद बात करेंगे, पहले इसे तो देख लें। मैं आपको बता रहा हूं कि विधानमंडल में और केंद्र शासित प्रदेश में कहां कहां पर सीएम है। सिर्फ दो जगह सीएम है, एक दिल्ली में है और दूसरा जहां तक हमारे जहन जा रहा है, हाँ, अंडमान निकोबार में है, ठीक है। इन दोनों में ही क्या है, मुख्यमंत्री होते हैं जहां तक हमें जहन में है अभी तक, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको दिल्ली वाली बात बता रहा हूं कि नई दिल्ली में सीएम है और सरकार की तरफ से होता है एलजी। एलजी का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके अंदर काम करता है, केंद्र सरकार के। इसीलिए आप देखते हैं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो बार बार कहते हैं कि राज्यपाल मुझे काम करने नहीं दे रहा, यानी कि उपराज्यपाल। जाहिर सी बात है वो क्यों करने देगा, क्योंकि वो दूसरी पार्टी का है, अगर सेम पार्टी का है तो काम आसान हो जाता है, ठीक है। ये हुई आपकी विधानसभा की बात। इसके बाद विधान परिषद, पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, जिसे आप कहते हैं उच्चसदन, यानी कि एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं ये राज्य का राज्यसभा होती है, यानी कि स्टेट की राज्यसभा होती है। अब कितने राज्य हैं, सात राज्य हैं, कितने राज्य हैं, सात। अब वो सात कौन कौन से हैं, नाम लिखने जरूरी हैं। जैसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में याद रखना लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं, लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं। अब कोई बता सकता है कि सीट की वजह क्या है, सीट की वजह क्या है? बिल्कुल एक्सीलेंट, पॉपुलेशन। इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद बिहार, बिहार के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सात राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, विधान परिषद है, यानी कि उच्च सदन है। बाकी इनके अलावा कहीं पर भी क्या नहीं है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको पढ़ानी है, जैसे आपको बताया था वहां पे लोकसभा अलग पढ़ाई थी, राज्यसभा अलग पढ़ाई थी, तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, विधानसभा अलग होगी, विधान परिषद अलग होगी, और राज्यपाल जो होगा वो अलग होगा, ठीक है ना। तो अब अगर इसमें सवाल पूछा जाए कि बताइए विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, हाँ क्यों? क्योंकि विधान परिषद कभी भी क्या नहीं हो सकती, भंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, उच्च सदन है, क्योंकि ये क्या है, उच्च सदन है। ठीक है। अच्छा, हाई कोर्ट का मैंने आपको वो लिखवाया था क्या आर्टिकल? अगर नहीं बतवाया तो लिख लेना, हाई कोर्ट का आर्टिकल 214। हाई कोर्ट वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, बस याद रख लें कि उसका आर्टिकल 214 है, और योग्यता आपको पता ही है, वही सेम सी होती है जो राष्ट्रपति, ओ सीजीआई की होती है। बस इसमें एक थोड़ा सा वो है
कि वहां पर हाई कोर्ट में होती है और यहाँ पर जिला न्यायालय में उसको एज अ जज काम करना होता है 5 साल। हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो आप लोग अब हेडिंग डाल लीजिएगा राज्यपाल, यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट। ये आता है आर्टिकल 153 में, आर्टिकल 153 में। इसकी योग्यता है, राज्यपाल की योग्यता है आर्टिकल 157 में, 157। योग्यता क्या है? जो राष्ट्रपति की होती है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से ज्यादा हो, और राज्य की विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों का सदस्य बनने के लिए क्या हो, काबिल हो। अब मुझे ये बता दीजिए, विधानसभा का सदस्य होने के लिए कितनी उम्र का होना जरूरी है? विधानसभा में सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र का होना जरूरी है? 25। वेरी गुड, शाबाश, 25। और विधान परिषद के लिए? बिल्कुल, शाबाश, कितना? 30। वेरी गुड। और इसके अलावा वो किसी भी लाभ पर क्या ना हो, काम ना कर रहा हो, यानी कि वो किसी और पद का इस्तेमाल ना करता हो, ये इसकी क्या होनी चाहिए, योग्यता। अब राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है या चुनाव होता है, बताइए? राज्यपाल का चुनाव होता है या नियुक्त किया जाता है? गलत जवाब, राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। मैंने वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करता है, चुनाव नहीं होता, नियुक्ति करता है। और ये बात किसमें लिखी गई है? आर्टिकल 155 में, आर्टिकल 155 में। और राज्यपाल की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता। हाँ वो मैंने करेक्शन कर दिया था, फ्लो फ्लो में हो गया था। हाँ राष्ट्रपति का तो चुनाव होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, इसलिए मैंने यहां पूछा, ठीक है। और इसकी बात करें हम शपथ की, तो शपथ है 159 में। अब इसे शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मेन जज, हाई कोर्ट का मेन जज, हाई कोर्ट का मेन जज इसे शपथ दिलाता है। और कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष। और एक राज्यपाल दो या दो से अधिक स्टेट का राज्यपाल हो सकता है, राज्यपाल एक या एक से अधिक या दो से अधिक का हो सकता है राज्यपाल, ठीक है। बाकी इसके क्या क्या शक्तियां हैं, इसके क्या क्या अधिकार हैं, इसके क्या क्या काम हैं, वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास को इतना ही। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।